लास्ट डे को तो मैंने आप लोगों को एक जगह दिखाई दिया था कि कौन सा बीबर डैम है, कहाँ पे आप लोग पा सकते हो, और आज दूसरे जगह भी मैं दिखा देने वाली हूँ कहाँ पे आप लोग पा सकते हो उसको, और घर को कंप्लीट भी करूंगी। आज बहुत सारे काम भी बाकी है तो पूरा करने वाली हूँ आज मैं। उसके बाद बहुत सारे एनिमल्स का अटैक होगा, सेवटूथ को खतरनाक वाला अटैक करने वाला है, कैसे बचा मैंने सारी चीजों। उसके बाद पालमू स्कॉर्पियस का एक जुड़ाने के टाइम जो बसर मचेगा उधर पे सारे कुछ, इतने सारे अटैक होगा। तो फटाफट से शुरू करते आज का वीडियो, उससे पहले गेमर्स कैसे हो आप सभी। मैं अरिखा आज दोबारा से एक बार फिर से खेल रही हूँ एआरके सर्वाइवल इवेंट। मैं आउट ऑफ स्टेशन थी 3 दिन के लिए, तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी रेगुलर बेसिस पे, तो आज मैं दोबारा से फिर से एक बार आ चुकी हूँ, और फिर से आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ कैसे मैंने सेकेंड वाले बीबर डैम को खोजा। और ये जगह भी परमानेंट होती है, इधर पे मैंने बहुत दिन तक बेस बना के रखा था, आप लोगों को पता है, जो लोग भी मेरे वीडियो आप लोगों में देखते हो। तो इधर पे मैं आ जाती हूँ इस बीबर डैम पे, ये तो कि इधर पे बना है, इसका कारण है पता है, लास्ट डे को जैसे कि आप लोगों को बताया था मैंने कि अगर आप लोग बीबर डैम को पूरा नहीं तोड़ते तो वो लोग तो उस बीबर डैम पे कुछ बनाता ही नहीं है, और ऊपर से वो लोग क्या कहता है दूसरी जगह बीबर डैम को बना लेते हैं। तो बेटर यही है जब भी आप लोग बीबर डैम से कुछ भी चुराने आओ ना, तो उस वाले बीबर डैम को तोड़ दो पूरा तरीके से, तो फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो अभी मैं आ जाती हूँ और आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो जो ये देखो, ये वाला बीबर डैम से मैंने चुराया था आप लोगों को याद होगा, तो कुछ नहीं रखा है इन लोगों ने, कोई सीमेंट वेस्ट वगैरह मुझे इधर से नहीं मिलती है, बाकी अटैक जरूर मिलती है मुझे। तो खतरनाक वाला अटैक करता है तो मैं कुछ भी करके जितना भी सारा उठता है उसको गिरा देती हूँ। गिराने के बाद मैं अपने आरजी को लेके क्या घूमने पे देखती हूँ भाई, ये तो एक रैप्टर के साथ अलग ही मजा ले रहा है। तो इधर पे आते मैंने दोनों के दोनों, इधर पे रैप्टर को भी और उधर पे कैस्टोइड दोनों को भी मार गिराती है, और फिर से दोबारा से मैं घर के लिए लौट ही रही थी कि मुझे रेस्ट लेने के लिए एक जगह पे रुकना पड़ा, और तभी उधर से सेवटूथ का खतरनाक वाला अटैक आता है। कैसे अटैक करे देखो एक बार, मतलब खतरनाक वाला लग रहा है कि टाइगर जैसे अटैक कर रहे हैं भाई सब, मतलब खतरनाक था ये वाला सीन। तो अभी इधर पे मेरे जो आरजी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो वो उसने उसको मार डाला। अभी हम लोग फिर से एक बार हाथ हो चुके हैं अपना जो बेस है, अपना जो पर्वत वाला बेस है उसके ऊपर, और उधर फिर देखो कितना सारा तो फ्लावर के जैसे भी एकदम क्रिस्टल खिल के रखा हुआ है ना। तो छोड़ो हटाते ये सब, अभी इधर पे सो जाते हैं, हम बहुत रात हो चुकी है, तो मैं इधर पे खाना पीना खा के बिल्कुल आराम से एकदम सोने के लिए रेडी हो जाती हूँ, और अभी इधर पे सोते हैं ठीक है ना। फिर कल हम अभी तो घर जाना मतलब नामुमकिन है लिटरली, तो अभी सुबह भी हो चुकी है, और मैं अपने आरजी को लेकर अपना मेन घर पे आ जाती हूँ, और आने के बाद जो मैं एनिमल वाला बेस बना रही थी उसको भी कम्प्लीट करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो इधर पे फटाफट से मैं सारी जगह पे जितना भी सारा इधर पे ग्रीन हाउस वाले उसको लगा के मैं इधर पे सारी जगह को कंप्लीट कर रही हूँ। तो अभी इधर पे आ जाती हूँ, आने के बाद ना ये लग नहीं रही थी, लास्ट डे को भी आप लोगों को दिखाया था, फिर से दिखा देती हूँ। इधर पे आप लोग एक बेस को लगा देना, मतलब एक फाउंडेशन को लगा देना, फिर बहुत आसान तरीके से आप लोग लगा सकते हो ग्रीन हाउस वॉल को, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं लग रही है कोई भी कारण पे आप लोग लगा दो एक स्टोन फाउंडेशन को, फिर आप लोग ग्रीन हाउस वॉल को अगर फिट करते हो तो बहुत आसान तरीके से वो लग जाती है। तो अभी मैं आ चुकी सारी जितने भी सारा जगह पे था ना वो सारी जगह को कंप्लीट करने के लिए आ जाती हूँ, फटाफट से सारी जगह को मैं कंप्लीट करते जाती हूँ। इतने ज्यादा मतलब बहुत सारा लगाना है ठीक है ना, तो कितने ज्यादा मेहनत लगा था आप लोगों को भी पता है कि बहुत सारा मेहनत लगा था। और इधर पे मैं फिर से एक बार 46 जैसा कुछ बना के फिर से एक बार बना लिया हूँ इधर पे, और बना के फिर से मैं जा रही हूँ, इतना मेहनत लगा भाई क्या ही बताओ। तो अभी चलो अंदर चलते हैं, अभी देखो इतना तो तक मैंने बना लिया, अभी बस कुछ ही और बाकी है, उसके बाद मेरा पूरा हाउस बनके कंप्लीट हो जाएगी और इसका फाइनल लुक भी हम लोगों को दिखने को मिल जाएगी। तो फटाफट से इधर पे जितना भी सारा है फटाफट से लगा देते, लगा के इधर पे हम खत्म करने वाले है, फटाफट इधर पे लगाते जाते ठीक है ना। तो देखो आप लोग तो इधर पे देखो, फाइनली इधर पे सारे कुछ लगाने के बाद इधर पे फाइनली चलो हो ही जाती है, कि मैं जब इधर पे आती हूँ ना देखती हूँ भाई इधर पे फिर से नहीं लग रही है, तो मैं सोचती हूँ भाई मैंने फाउंडेशन लगा के तो सेट किया तब तो लग गया, आप क्यों इतना परेशान कर रहा है भाई। तो मेरे को समझ में आ गया फिर से मुझे एक स्टोन फाउंडेशन को लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही कर पाऊंगी, उससे पहले जगह को देख लो कितना ज्यादा खूबसूरत दिख रही है यार, काफी लिटरली मैंने बनाया, मुझे यकीन नहीं हो रही है सच बता रही हूँ। तो जो भी हो मतलब मेरे लिए इतना बड़ा बनाना, मतलब एक कुड़िया इंसान के लिए इतना बड़ा बनाना बहुत टफ हो जाती है सच बता रही हूँ। जो भी हो बनाया मैंने, तो इधर पे एक स्टोन फाउंडेशन को मैं लगा देती हूँ, बनाने के बाद मैं इधर पे सारे जितने भी ग्रीन हाउस वॉल है उसको लगा तो बराबर से इधर पे लगा देती हूँ। तो इधर पे जितने भी सारे ग्रीन हाउस वॉल था मैंने सारे को भी कम्प्लीट कर दिया। तो इसी तरीके से आप लोग स्टोन फाउंडेशन को लगाना हो बिल्कुल आसान तरीके से बिना कोई झिझक के आप लोगों को मिल सकते हैं एकदम कंप्लीट एक वॉल का डेकोरेशन। तो अभी इधर पे हो चुकी है, अभी इधर पे जस्ट है जो स्लोप है ना इसको मैं
मैंने ना जस्ट स्टूडेंट वाला ही लगाया, और लगाने के बाद मैंने चेक भी कर लिया कि ये खुल भी रहा है कि नहीं। तो चलो फाइनली ये खुल रही है। मुझे पहले ही लगाना चाहिए था, बार बार मैं घूम घूम के चल रही थी, उस टाइम बहुत दिक्कतें हो रही थी, बट बहुत सारे उठ के दरकार था और बहुत ज्यादा मुझे लेसने चाहिए थी, तो वजह से मैंने बनाया नहीं। रुको, इक्वेस बाबा जी को पहले अंदर पे घुसा देते हैं हम, ये इसके लिए मैं इधर पे बना ही नहीं पा रही, तो फटाफट से इसको भी रख देते इधर पे। और इधर पे रखने के बाद मैं जा रही हूँ बाहर पे, और बाहर पे जाने के बाद मैं सारी चीजों को लगाने वाली, तो फटाफट से इधर पे भी लगा देती एक सेकेंड। तो अभी लास्ट वाला भी जो स्लोप था उसको मैंने लगा दिया, और इधर पे भी देखो जैसे खाली खाली लग रही है ना, तो बराबर से इधर पे भी मैंने लगा दिया। अभी एक साइड में लगाने के लिए कितने सारे लगाने वाले, जस्ट आप लोग तो सोचो, मतलब एक वाल, मतलब इतना बड़ा डोर है ये, मैं क्या ही बताऊँ, इतना बड़ा डोर, ऐसे तीन तीन डोर लगाया मैंने, तो सारे के नीचे मुझे ऐसे ही बिल्कुल लगाना है। तो इधर पे भी देखो एक और डोर है, और देख ही पा रहे हो कितना बड़ा मैंने बेस बनाया है इस बार। और जो जो लोग आप लोग मुझे देखते हो, आप लोगों को तो पता ही है इसको करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अभी मैंने इधर पे सारे लगा तो दिया, और दरकार है क्या, लग तो नहीं रहा है, छोड़ते इसे, अभी सामने की तरफ चलते हैं। और जाने के बाद लास्ट वाला जो है उसमें भी स्लोप लगाना है, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है, इधर से तो मैं कभी चढ़ ही नहीं पाती हूँ, लिटरली इतना ऊंचा है, तो इसको तो लगाना ही पड़ेगा भाई साहब। तो फटाफट से इधर पे लगा देते है, इतना मतलब इतना देर किया ना, सारी चीजें कम्प्लीट करने के बाद में करी, इससे पहले ही करना चाहिए था, जहाँ पे मैंने सारी चीजों को लास्ट में करी है। तो फटाफट से इधर पे भी लगा देती हूँ जितने भी सारे स्लोप से, तो फाइनल लुक तो हो गया। इसके नीचे भी लगा दूं क्या, अच्छी लग रही है ना, तो इधर पे इसके नीचे भी लगा दिया, चलो हो गया है ना, तो उसके नीचे लगाया तो इसके नीचे भी लगा देती हूँ, अच्छा तो हो गया। अब भी सामने भाई मेरा जो पुतला है इतना ज्यादा अटक जाता है ना, मुझे समझ में नहीं आती क्यों इतना स्टॉक हो जाती है कभी कभार, तो जो भी हो इधर पे भी मैं लगा देती हूँ फटाफट से, इधर पे जितना भी सारा है स्लोप से, तो सारी चीजों को मैं लगा देती हूँ। लगाने के बाद में स्टोर को भाई साहब हो गया जो भी हो। तो अभी इधर पे लास्ट ये बचा था, हो गया फाइनली सारी चीजों को मैंने कंप्लीट कर दिया, और फाइनल लुक भी आप लोग देख लो, बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। और इधर पे मुझे भाई साहब, ओ भाई, इसका मतलब फ्लैंक हेलमेट मिल चुकी है, जिसका आर्मर पॉइंट भी बहुत ज्यादा है। एक सेकंड मुझे चेक करने दो, एक सेकंड। इसको मैं बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग इन्वेंटरी में ऐसा खींच के रख देना, ठीक है ना, नहीं तो बाद में आप लोगों को नहीं मिलेगा अगर आप लोग मर जाते हो तो। तो अभी इधर पे मैंने तो इसको रख दिया, अभी इसका देखो आर्मर है 100, ठीक है, और इसका जो आर्मर है उसका 187। दोनों का डिफरेंस देख लो, आप लोग देख ही पा रहे हो दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो अभी मैं देखती हूँ, एक सामने एक इन्वेंटरी है, आई मीन सप्लाई क्रेट है, तो मैं यहाँ जाती हूँ सप्लाई क्रेट को कलेक्ट करने। तो बराबर से भाई साहब यार तो गंदा गंदा चीजें देता है यार, देने की दरकार क्या है, तो बाद में खा यार, इधर पे तो दिख नहीं रहा है क्या, रेक्स वगैरह इधर पे घूम रही है, और इधर पे तू इधर पे खाते जा रही है, तो फिर से दोबारा से और एक इन्वेंटरी, आई मीन सप्लाई क्रेट दिख जाती है, तो इसको भी कलेक्ट कर। अच्छा चलो, कुछ तो अच्छा मिला, ना मिलने से अच्छा कुछ तो अच्छा मिला। और इधर पे मुझे पालमन स्कॉर्पियस का एक दिखती है, बट उधर पे बहुत सारा पालमन स्कॉर्पियस है जो मुझे नहीं लेने दे रही थी, तो भाग ना यार, क्या कर, एक एक लेने पे तुम लोगों का क्या आएगा जाएगा, भाई कितना खतरनाक वाला काट रहा है भाई, भाग जाए इधर से। तो इधर पे मैंने इन दोनों को, चलो फाइनली इन दोनों को तो मार दिया। अभी इधर पे सामने से मैं एक को लेके इधर से भागने वाली हूँ, तो इधर पे मैंने एक को भी ले लिया, अभी चलो इधर से फटाफट से बाय 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 बाय। नहीं नहीं नहीं, शिट, फिर से अटक दिया मेरे को। और ये मेरा आरजी देखो, उसको थोड़ा सा मतलब ये करता है, इंजोर करता है, मैं इधर पे कुछ भी करके निकल तो जाती हूँ, और ऑटर ने इसको मार डालता है, तो मेरे ऑटर का सिर्फ और सिर्फ में मिली डैमेज को बढ़ाते जाती हूँ, और जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका। तो जो भी हो, मुझे तो मतलब काफी मदद मिल जाती है इस ऑटर के कारण, सच बता रही हूँ। और मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लोरर नोट को ढूंढने आ जाती हूँ, बट उधर भी शांति क्या है यार, उधर पे भी रैप्टर मुझे खतरनाक वाला हमला कर देता है, और इधर पे हम लोग उसको तीनों मिलके बहुत ज्यादा मारते हैं, और फाइनली देखो ऑटर ने फिर से इसको मार डाला। मुझे करने की कुछ दरकार ही नहीं पड़ता, उधर पे मैं देखती हूँ स्टेगो के साथ मेरे आरजी झमेला कर रहा था, तो मैंने सोचा धोर छोड़ते हैं उसको, मैं इधर पे एक्सप्लोरर नोट को ढूंढ लेती हूँ। और इधर पे मुझे रॉकवेल डिस्कवरी का एक एक्सप्लोरर नोट मिल चुकी है फिर से एक बार, और इधर पे मैं देखती हूँ इसका मारपीट खत्म ही नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं ही जाती हूँ और मार देती हूँ, यार बहुत टाइम से इन दोनों का फाइटिंग में देखे ही जा रही, तो फाइनली इसको भी मैं चलो खत्म। भाई साहब इसका बहुत खतरनाक वाला मतलब ये बहुत मारता है यार, इसका जो पूछ है ना इसे इतना ज्यादा मारता है ना कि क्या ही बताए। तो चलो फाइनली इसको भी हम लोग मार देते हैं। और अब भी देखो ये पागल सामने जाके खड़ा था, तभी मैं घर आ जाती हूँ, घर आने
के बाद सारे जितने भी बोटल्स वगैरह जितना भी इन्वेंटरी का चीज मिले था सब कुछ ले लिया, और बाकी फाइनल देख लो मैंने सब कुछ, कैस्ट्रो एडोडिक्यूरस मिंको कार्नो रैप्टर गैलिलीमस सेवरटूथ इक्वियस यूनियडान एंड पैराशूर से, तो जो भी, और इधर पे मैंने सजाया है एजेंट डेविस और पीटर अंडन को, और इधर पे देखो मिडिल पे ये लोग है, इन लोगों का स्ट्रैडल नहीं है तो मैं इन लोगों को घुमा नहीं पाया, और इधर पे देखो रेक्सी है सबसे ज्यादा खूबसूरत, इसका दांत देखो यार कितना, सामने से तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखती है, मतलब तो काटेगा ना तो मैं खत्म इधर पे, तो जो भी हो इधर से मैं अभी निकल जाती हूँ, और इधर पे देखो आप लोगों को पता है मेरा जो बिटेल है इधर पे डंग बिटेल और ये क्लिस्टेसरस, तो जो भी हो आज मैं जाती हूँ, ठीक है ना, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट डे को फिर से दोबारा से एक बार नए से एक एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सभी लोग बहुत खुश रहिएगा, अच्छे रहिएगा, टाटा एंड टेक केयर।